सहारनपुर में भारत जोड़ो न्याय मशाल यात्रा को प्रभारी इमरान मसूद और प्रदेश सचिव देव रंजन नागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यात्रा प्रभारी पूर्व विधायक इमरान मसूद ने कहा कि जहां एक ओर भारतीय जनता पार्टी देश में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करते हुए देश के नागरिकों को उनके संवैधानिक हकों से वंचित कर रही है, और कांग्रेस जनता की लड़ाई लड़ रही है। देखिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मणिपुर से शुरू हुई है, और इस यात्रा को बल देने के लिए सांकेतिक रूप से पूरे प्रदेश के 75 के 75 जिले में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 5-5 किलोमीटर की सांकेतिक यात्रा की है। और निश्चित रूप से जो राहुल जी ने प्रयास किया है, हमारा काम है उस प्रयास के अंदर अपनी आहुति देने का, और कांग्रेस जन मजबूती के साथ लग करके उनके इस प्रयास के अंदर बल देने का काम कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने यात्रा का शुभारंभ किया है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये मणिपुर से शुरू किया है और मार्च तक ये यात्रा चलेगी। उसी को लेकर आज पूरे प्रदेश में हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने के निर्देश अनुसार हर एक जनपद में ये न्याय 5 किलोमीटर की न्याय यात्रा निकालने का काम किया गया। क्या मानते हैं यूपी जोड़ो यात्रा हुई है, कितना सफर उत्तर प्रदेश में रह पाएगी कांग्रेस? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा आदरणीय राहुल गांधी ने जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसका रिजल्ट आपके सामने है। राहुल गांधी जी मन की बात कहते नहीं है, लोगों की मन की बात सुनने की बात करते हैं। जालौन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में जलती हुई मशाल लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो कांग्रेस के तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे राष्ट्रीय और प्रदेशी नेतृत्व के आह्वान पर ये यात्रा हम लोगों ने माहिल तालाब से लेके और पूरे शहर में होते हुए 5 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने यहाँ पर निकाल के महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर समापन किया है। ये यात्रा जो बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, शहर जिले मुख्यालय पे शहर के अंदर हमारे वरिष्ठ कांग्रेस दलों के साथ ये यात्रा निकाली गई है।